नमस्कार, मैं प्रवीण एक बार फिर से प्रोवाइडर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जीएल बजाज के पीजीडीएम से कुछ स्टूडेंट हैं। इन सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये है, तो जो एकेडमिक्स है पीजीडीएम की वो कैसी है और उस पर क्या प्रकाश डालना चाहेंगी आप? ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी हमारी जो एकेडमिक्स है, लाइक अनन्या प्रेम ने भी कहा कि सारी चीजें प्रैक्टिकल वे में जाती है, तो हमारे जो असाइनमेंट्स, मतलब ये ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार असाइनमेंट दे दिया टीचर ने, हमें नहीं करना या ऐसा करना, कॉपी पेस्ट करना है। बट हमारे में ये होता है कि अगर हमें कोई चीज दी जा रही है बाय फैकल्टी मेंबर्स, तो हमारे अंदर ये रहता है कि इफ दे आर गिविंग दी सम पर्टिकुलर असाइनमेंट, वी हैव टू डू इट एंड बाय आर ओन। तो हमारे अंदर ये चीज चाली जाती है कि आप जो कर रहे हो वो उससे आप सीखो, और जो भी हमारे सब्जेक्ट है इन टर्म्स ऑफ थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, तो हमारा ये होता है कि हम अगर हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो हम उस चीज को अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। ओके मैम, प्लेसमेंट्स को लेकर के क्या मानना है मैम? जो प्लेसमेंट है कहीं ना कहीं पिजीडीएम का, उसके लिए जीएल बजाज क्या खास तैयारी करता है पिजीडीएम के लिए? जैसे मैंने बताया, हमें सॉफ्ट स्किल्स के लिए एक स्पेशली पूरा एक सब्जेक्ट डेडिकेटेड है। अच्छा अच्छा। और एक्सेल, पावर बीआई, जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स होती है, करेंटली रिक्वायरमेंट है, और जो अपकमिंग ट्रेंड्स हैं उनके साथ हम काफी अपग्रेडेड रहते हैं हमेशा। और हमारा मोस्टली यही फोकस होता है, जो हमारी कंपनीज आने वाली है, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, जो प्रीवियस ईयर कंपनीज की रिक्वायरमेंट रही है, जैसे बिजनेस डेवलपमेंट एक रहा है पास्ट में, जिसे इस बार काफी फोकस किया जा रहा है स्टूडेंट्स को लेकर के। एसएससी हमारे एक पूरे सब्जेक्ट है, जो जिसमें मैंने बताया सॉफ्ट स्किल्स को, तो ये सारा जो टारगेट करते हुए स्पेसिफिकली होता है प्लेसमेंट्स को लेकर के। और मोर ओवर हम हमेशा देखते हैं ये किसी और कॉलेज के भी कॉन्टेक्स्ट में, जीएल बजाज के भी कॉन्टेक्स्ट में, जो पीजीडीएम का हमारा होता है पैकेजेस, वो ज्यादा होते हैं ऑब्वियसली एमबीए के कंपैरिजन में अगर देखें। मैम, मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन आपसे है कि मैम मैक्सिमम प्लेसमेंट क्या रहा है पीजीडीएम का पिछले साल का, और एवरेज पैकेज क्या रहा है? लास्ट ईयर का मैक्सिमम पैकेज रहा है रामदास किम जी का 21 का 121 लाख था, और एवरेज लास्ट ईयर का 6.5 to 7 था। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। नंदनी मैम, आप मेरे को ये बताइए कि जो स्टूडेंट्स जीएल बजाज में पीजीडीएम करने का सोच रहे हो, अगर वो जीएल बजाज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको, उनके लिए जीएल बजाज कैसा है और उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसा आप सब जानते हैं कि जीएल बजाज नॉर्थ इंडिया में बहुत ही अच्छा रैंक करता है जी। और उस हिसाब से यहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी होती हैं, जैसे आपको कैट मैट में सर्टेन स्कोर्स होते हैं, सर्टेन परसेंटाइल्स होती हैं, जिसको आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है, उसके बेसिस पे ही आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होते हैं। एवरेज में परसेंटाइल क्या होता है? एवरेज कैट के अकॉर्डिंग 80-85 ऐसे रहता है, और मैट का स्कोर मैटर करता है, जो आपको 500-550 के अराउंड रेंज करता है। ठीक है। तो ये सारे परसेंटाइल क्राइटेरियाज होते हैं, और आपका यहाँ पे इंटरव्यू भी होता है। जीएल बजाज में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस होता है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, तो ये आपका इंटरव्यू प्रोसेस होता है, आप फाइनल, आप कोई भी कॉलेज इनिशियली देखते हैं, तो आप काउंसलर से बात करते हैं, कॉलेज की इंक्वायरीज यहाँ पे वेब पोर्टल्स जो है वहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से आपको सपोर्ट मिलेगा, काउंसलर्स मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे, वहाँ का ब्रोशर्स मिलेगा। पहली बात हो गई वो परसेंटाइल वाली, देन उनका इंटरव्यू होता है, देन एडमिशन। हाँ, और फिर इंटरव्यू होता है, उसके बाद शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। अच्छा। बच्चे इस बेसिस पे, और हाँ स्कॉलरशिप क्या कितना प्रोवाइड किया जाता होगा स्कॉलरशिप? ये डिपेंडिंग अपॉन आपका स्कोर क्या है, कैट में एवरेज क्या हो सकता है। मैथ प्लस आपका थ्रू आउट है 10-12 ग्रेजुएशन, वो भी आपको 25,000 मिलता है। और अगर मैथ कैट के अकॉर्डिंग भी कुछ सर्टेन परसेंटाइल जो आई एम नॉट अवेयर अबाउट पर्टिकुलर, बट उसके अकॉर्डिंग 25,000 होता है, उसके बिलो भी है जो 20,000 का कुछ क्राइटेरिया है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। हाँ, काफी बेनिफिशियल, क्योंकि हम लोग भी ये चीज अवेल कर चुके हैं बीइंग अ पीजीडीएम स्टूडेंट, तो हम लोग को भी मिली है ये फैसिलिटी। फी क्या होती है मैम? फी अभी करेंट जो हमारी बैच की है 6.5 के अराउंड है। अच्छा, और फिर लाख, और फिर वो अपग्रेड होती है क्योंकि कोर्स करिकुलम भी चेंजेस में आते हैं, मार्केट ट्रेंड्स जो होता है। हाँ, एनबीए। अच्छा, ये बड़ी बात है कि इनके फीस में कहीं ना कहीं पीजीडीएम में जो बच्चा मैम को जरा माइक दीजिए, मैम एक बार रिपीट कर दीजिए इसको। ठीक है, तो ऐसा अनन्य सॉरी नंदनी ने बताया कि हमारी फीस 6.10 ऐसे करके है, तो हम लाइक जब हमने ऐसा न्यू एडमिशन लिया था, तो हमें ये लगा था कि यार मतलब ठीक है, फीस भी नॉर्मल है। बाद में जब यहाँ आए तो पता चला कि अच्छा, इसमें तो लैपटॉप भी इंक्लूडेड है, प्लस ड्रेस भी है, तो वो एक्साइटमेंट और खुशी थी कि चलो। हाँ,
हाँ, इसमें प्लस दुबई की ट्रिप भी इंक्लूडेड है। टॉप 10 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं। तो जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होते हैं, टॉप 10 स्टूडेंट्स, उनको ये ले जाते हैं दुबई की ट्रिप पे या फिर कहीं भी प्लान करते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई, इसको हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे। और काफी सारी चीजें भी प्लान होती है, जैसे अलमनाई वगैरह सारी बातें, तो सारे ये कोर्स करिकुलम में इंक्लूडेड है। आपसे कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं लिया जाता है। जितने भी एडवांस कोर्सेज यहाँ पे सिखाए जाते हैं, कहीं ना कहीं हम ओवरऑल इसको ऐसा कह सकते हैं कि एक्सप्लोर करने के लिए जो बच्चा पीजीडीएम में आता है, तमाम अपॉर्चुनिटीज मिलती है जिससे बच्चा कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्लोर करे, इंडस्ट्री में फिट बैठे। एग्जैक्टली मैम, आप लोगों ने समय दिया, सर आप लोगों ने समय दिया, उसके लिए पूरी की पूरी टीम की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।